हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे और लॉकडाउन पीरियड को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे और अपने घर में वो सारे काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद है, क्योंकि फैमिली साथ में है। तो हम लोगों ने तो अपने लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करने का सोच लिया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक दिन गार्डनिंग करेंगे, तो आज हम लोग हैं अपने गार्डन में और कुछ गार्डन की साफ सफाई कर रहे हैं और छोटी छोटी क्यारियाँ बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ लगाएंगे चीज़ें। तो अभी देखते क्या लगाएंगे, हम सोच रहे सरसों लगा दे, टमाटो लगा दे। तो टमाटो के मत करना, मत क्या कर रहा है। तो टमाटो तो ऑलरेडी हमारे गार्डन में बहुत सारा है, तो सबसे पहले क्यारी बनाते हैं और सोचते हैं क्या लगाएंगे। ओके, तो आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर रहे हो, देख के कैसे करते हैं हम लोग गार्डनिंग। अगर आपके पास भी ऐसा गार्डन है या गार्डन नहीं है और प्लांट्स वगैरह हैं तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं। दक्षु और मेरी सासू माम दोनों काम पे लगे और मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ काम। मैं भी काम में लगा हूँ। ये देखिए दोनों लोग लगे हैं काम में। हमारे गार्डन में देखिए ये नींबू का पेड़, ये किस चीज का है मम्मी? ये संतरा है। ये संतरे का पेड़ है, छोटे छोटे संतरे आते हैं इसमें बहुत खट्टे। और ये पहाड़ी नींबू है, उत्तराखंड के नींबू बहुत बड़े होते हैं साइज में, अभी तो कोई नहीं लगा हुआ है। और ये आम का पेड़ है, और इधर ये टमाटर लगा है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इसमें अभी बहुत सारी सब्जियां थी, हमने सब्जियां सब निकाल ली हैं। जाड़ों में मूली भी लगी थी, और अब हम नए बीज लगाएंगे यहाँ पे नए सीजन के लिए। और उधर देखिए रोज, कितना बड़ा रोज का प्लांट है, व्हाइट वाला रोज भी है वो। व्हाइट किधर? हाँ, ये व्हाइट रोज भी है। पहले हमारा गार्डन बहुत बड़ा था। ये देखिए हमारी क्यारी की हमने आउटलाइन बना दी है, ऐसे ऐसे क्यारी बनानी है। अब इसको हम बहुत ब्यूटीफुल सा बनाएंगे। थोड़ा सा काम करने में हम थक गए, और किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं खेतों में और फिर हमें खाने को मिलता है, तो आप लोग प्लीज खाना वेस्ट नहीं किया करिए। आधी क्यारियाँ हमारी बन गई है और आधा जो गार्डन है वो उसमें गुड़ाई हो गई है। मम्मी हम लोग क्या उगाएंगे इसमें? चौलाई लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे? भिंडी बीज होगा तो भिंडी लगाएंगे। चौलाई और भिंडी। बहुत थक गया काम करते हुए। बहुत थक गया? हाँ। आप थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। कैसा लगा आपको काम करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। थक गए हैं क्या? गर्मी भी लग रही है, मजा आ रहा है। बॉडी ब्रूसली, ये है हमारा ब्रूसली। तो अभी गर्मी, अभी क्या मार्च चल रहा है, मार्च लास्ट, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है और खेत में काम करते टाइम तो ज्यादा गर्मी लगती है। तो हमने इतनी क्यारियाँ बना ली है छोटी छोटी, चार देखिए आपको दिख रही होंगी। एक ये है, एक उधर दक्षु खुदाई कर रहा है, और ये तो चार छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई। इसमें हम चार अलग अलग टाइप की चीज़ें उगा सकते हैं। और बाकी जो उधर का गार्डन बचा है, ये वाला एरिया, ये इस पर हम कल काम करेंगे। तो थोड़ा और बाकी है, आज के लिए इतना बहुत है। तो हमारी आज की गार्डनिंग हो गई है, चार क्यारियाँ बनाई हमने। कल हम इसमें कुछ बीज वगैरह बोएंगे। हमें तो बहुत मज़ा आया गार्डन में काम करके, पसीने पसीने हो गए। दक्ष को भी और काम करना है, उसका मन नहीं भरा है, लेकिन हम थोड़ा काम कल के लिए भी छोड़ते हैं, क्योंकि धूप में काला हो गया है धूप में ये। आ जाऊंगी। दक्ष उधर काम करने में लगा है। तो हमने तो अपना आज का दिन इस तरह से इंजॉय किया, यूटिलाइज किया गार्डनिंग करके, और बहुत मजा आया हमें। तो आप लोग भी प्लीज शेयर करिएगा कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में डेली कुछ क्या नया नया कर रहे हैं। और मैं अंजलि आपसे जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, और मैं ब्लॉग्स भी अपलोड करती रहूंगी कि हम लोग डेली क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक दिस वीडियो। जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय।